मैं होमोसेक्सुअल हूं, समलिंगी आसक्ति है और मुझे उसमें से बाहर निकलना है, क्योंकि मुझे बहुत टेंशन आता है, मैं बहुत डिप्रेस हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सुसाइड करना चाहिए, ऐसे प्रॉब्लम्स लेके बहुत लोग मेरे पास में आते हैं। चलो आइए इसके बारे में मैं बात करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। होमोसेक्सुअलिटी अभी हमारे देश में मान्यता प्राप्त है, मतलब उसको मान्यता प्राप्त है कि भाई होमोसेक्सुअल लोग है और वो आपस में सेक्स कर सकते हैं। पहले ये क्राइम था, अभी नहीं है। होमोसेक्सुअल लोगों की एसोसिएशन है, उनके ग्रुप्स है, और कोई वो ग्रुप में जाता है अंदर तो उसको फिर बिल्कुल ब्रेन वॉश किया जाता है कि तू बराबर है, तेरे में कोई खराबी नहीं है और तू यही ऐसे ही रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा उसको बिल्कुल बार 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 हैमर किया जाता है। इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी ने यहाँ ये कहा है कि ये होमोसेक्सुअलिटी एक नॉर्मल है, मतलब उसमें कोई गलत नहीं है, क्राइम नहीं है और इसका इलाज भी नहीं है। अब मेरा सवाल ये आता है कि इसका इलाज नहीं बराबर है, इसको कोई दवाई नहीं है, इसका इलाज करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो उसमें खुश है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मगर आज हमारे देश में 17% एक स्टैटिस्टिक्स के अनुसार 17% लोग होमोसेक्सुअल है, उसमें गे और लेस्बियन आ गए, मतलब पुरुष और स्त्री, लड़कियां भी होमोसेक्सुअल है और पुरुष भी है 17% एक स्टडी के अनुसार। 9% लोग बायसेक्सुअल है, 9%, 1% लोग है वो पैनसेक्सुअल है और 2% असेक्सुअल है। अब जब 17% ये स्टडी के मुताबिक है, मतलब बहुत बड़ा आंकड़ा है ये, और उसमें के बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मुझे इसमें नहीं रहने का है, मुझे नहीं चाहिए। अभी हो सकता है कि उनको नहीं चाहिए, उनको गिल्ट फीलिंग आता है, उनको समाज का प्रेशर आता होगा, उनको माँ बाप का प्रेशर आता होगा, उनको उसके वजह से एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है। कुछ लोग तो मेरे पास में आते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो सुसाइड करना है, मुझे ऐसा जीवन जीना ही नहीं है। कुछ लोग बहुत खुश है, बोलते नहीं नहीं हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, माँ बाप परेशान करते हैं, बोलते कि नहीं नहीं अभी तू होमोसेक्सुअल नहीं रहने का, अभी तेरे को शादी करने का और तू ट्रीटमेंट ले, और ये बोलता है मेरे को ट्रीटमेंट लेना नहीं है, मैं तो खुश हूँ, तो उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मेरा कोई कहना नहीं कि उनको जबरदस्ती करो, उनका इलाज करो, वैसा उसका इलाज है भी नहीं। मगर जो इसमें वो होमोसेक्सुअल रहने में जिनको दिक्कत है, जिनको प्रॉब्लम है, तो उन जिनको एंग्जाइटी है, जिनको डिप्रेशन है, उनका क्या? तो इंडियन साइकेट्री सोसाइटी ने उसका कोई आंसर दिया नहीं है, और IPS ने, इंडियन साइकेट्री सोसाइटी देना चाहिए, और WHO ने भी इसके ऊपर भाष्य करना चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट में भी इसके ऊपर भाष्य करना चाहिए, इसका करना क्या है, क्योंकि मतलब लीगल के अनुसार इनका ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए और कोई ट्रीटमेंट इनके लिए काम की भी नहीं ऐसा बोला जाता है। मैं जब मेरे पास में लोग आते हैं तो मैं उनको काउंसलिंग करता हूँ, काउंसलिंग करके उनको मैं सपोर्ट करता हूँ, मैं हिप्नोथेरेपी करके उनको मैं सपोर्ट करता हूँ, उनकी एंग्जाइटी दूर करना, उनका डिप्रेशन दूर करना, उनको काउंसलिंग करके उनको समझाना और उनको चाहिए क्या, और चाहिए तो वो कैसा हासिल कर सकते हो उसके बारे में कुछ मार्गदर्शन। हो सकता है कि उनको बिजनेस करना है, हो सकता है कि उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, और हो सकता है कि उनको उसमें रहना ही नहीं है और वो शादी करना चाहते हैं, मतलब शादी करके अपना जीवन बिताना चाहते हैं बाकी लोगों की तरह, तो उनको हम सपोर्ट करते हैं कि भाई मैं ट्रीटमेंट नहीं करूँगा, ट्रीटमेंट आप ही आपका करेंगे, मेरे तरफ से क्या आपको सपोर्ट करूँ, और वो सपोर्ट मैं करते रहता हूँ। कुछ लोग बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन मतलब ऐसे कि उनको सिर्फ विचार है होमोसेक्सुअली, उन्होंने कभी होमोसेक्सुअल एक्टिविटी की भी नहीं है, सेक्स होमोसेक्सुअल किया भी नहीं है, हेट्रोसेक्सुअल भी मतलब लड़की के साथ में भी किया नहीं, मगर उनका ज़्यादा आकर्षण मेल बॉयज़ की तरफ है, ज़्यादा आकर्षण, और फीमेल की तरफ उनको आकर्षण लगता नहीं इतना। अभी वो भी चाहते कि नहीं नहीं मैं अभी वो आकर्षित नहीं होना चाहिए मैंने मेल्स की तरफ, और मैंने लड़की के साथ में शादी करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको लड़की के साथ में भी आकर्षण है और लड़कों के साथ में आकर्षण है, जो बायसेक्सुअल है, उनको लगता है कि नहीं मेरा ये बंद होना चाहिए। अभी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लोग साथ में रहते होमोसेक्सुअल एक दूसरे को अभी ब्लैकमेल कर रहे हैं और अभी परेशान है, वो उसको ब्लैकमेल कर रहा है, उसको ब्लैकमेल कर रहा है, दोनों भी नहीं चाहते कि ये बाहर समाज में इसकी बातचीत हो, बोलचाल हो और अपना प्रॉब्लम आ जाए। दोनों साथ में रहते हैं, दो दोस्त करके रह रहे हैं और उनको भी ये प्रॉब्लम है।
कुछ लड़कियां ऐसी होती है, कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि माँ बाप जबरदस्ती उनकी शादी कर देते हैं, जबरदस्ती। अभी मेरे पास में इतने में दो लड़कियां लाई, एक के पीछे, अलग अलग जगह की थी। कभी उन्होंने बोला नहीं कि मैं लेस्बियन हूँ, लड़की की शादी कर दिया, वो नाना बोल रहे तभी भी शादी जबरदस्ती कर दिया। शादी के बाद में वो अपने हस्बैंड के साथ में एक दिन भी सोई नहीं, उसने नकार दिया मैं नहीं सोती करके, और बाद में ज़्यादा से ज़्यादा एक महीने के अंदर वापस घर में आए। अब क्या फ़ायदा, इतनी बड़ी शादी किया, खर्चा किया, फ़ायदा क्या है? वो जब नहीं बोल रही है तो माँ बाप ने भी उनके ऊपर फोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि फोर्स करके उनका जीवन खराब हो जाता है और उसका ही जीवन नहीं, वो जिसके साथ में लड़की ने शादी की उसका जीवन भी खराब हो जाता है, क्योंकि उसकी शादी हो गई एक बार, अब उसको शादी करना है तो अभी सेकंड टाइम हो गया। तो ये सब बातें समाज ने समझना चाहिए, इनके ऊपर प्रेशर नहीं करना चाहिए। हाँ, उनको खुद को इसमें से बाहर निकलना है तो ज़रूर कुछ ना कुछ सपोर्ट करने के लिए, उनके साथ में बातचीत करके, काउंसलिंग करके, उनको एक कॉन्फिडेंस दिला के, उनका एक सेल्फ एस्टीम बढ़ा के हम कुछ ना कुछ उनको मदद कर सकते हैं। बाकी इंडियन साइकेट्री सोसाइटी जो है हमारी, जो इंडिया लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी मैंने इसके पहले रिक्वेस्ट की हुई है कि उसके ऊपर इन्होंने भाष्य करना बहुत ज़रूरी है। इनको एंग्जाइटी, उनको एंटी एंग्जाइटी ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी, डिप्रेशन, उनको डिप्रेशन ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी, और जिनको ये करना ही नहीं है उनको कुछ ना कुछ रास्ता बताना पड़ेगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करो। बहुत ऐसी पॉपुलेशन है कि जो खुश है कंटिन्यू करना चाहते हैं, बहुत ऐसी पॉपुलेशन है कि जो नाखुश है कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो। थैंक यू।